आज हम लोग जानेंगे मानव दांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, इसे अस्थाई दांत भी कहा जाता है। बच्चों में 20 दांत होते हैं, जिसे दूध का दांत कहा जाता है। हम लोग जानेंगे कि वयस्क में 32 दांत कौन कौन होते हैं और बच्चों में 20 दांत कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दांत के प्रकार भी होते हैं। दांत के पहला प्रकार है इंसीजर, दूसरा प्रकार है कैनाइन, इसे हिंदी में कहते हैं रजमा। तीसरा दांत के प्रकार है प्रीमोलर, जिसे हिंदी में अग्रचर्वणक कहा जाता है। चौथा दांत के प्रकार है मोलर, जिसे हिंदी में चर्वणक कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स दांत के जबड़े में कहां पर स्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दांत का एक जबड़ा बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में दो जबड़े होते हैं, एक अपर एक लोअर। हम लोग समझते हैं इसको कि लोअर है, ठीक है। लोअर दांत में सामने की जो दांत होते हैं उस इंसीजर कहा जाता है, आई फॉर इंसीजर। हिंदी में कहें तो इसको कृंतक। जो सामने की दांत होते हैं ना उसको इंसीजर कहते हैं। उन इंसीजर के बगल में एक एक नुकीले दांत होते हैं, उसको कैनाइन कहा जाता है। ये मांसाहारी में थोड़ा लंबा होता है और नुकीला होता है। सी फॉर कैनाइन। कैनाइन के बगल में दो दो दांते होते हैं, इसे प्रीमोलर कहा जाता है। इसको हम पी से सूचित करते हैं, पी फॉर प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर के बाद दोनों साइड तीन तीन दांते होते हैं प्रत्येक जबड़े में, जिसे मोलर कहते हैं। ये दांत चौड़े होते हैं, मोलर से थोड़ा कम चौड़े होते हैं, प्रीमोलर। कैनाइन जो होता है नुकीला होता है। इंसीजर चारों होते हैं एक समान। अब देखिए इंसीजर का क्या काम होता है। इंसीजर भोजन को काटने का काम करते हैं। इंसीजर भोजन को काटने का काम करता है। इसकी संख्या निचली जबड़ी में 4 होती है, ऊपरी जबड़ी में 4 होते हैं। इस प्रकार इंसीजर की संख्या कितना हुआ, 4+4=8। अब देखते हैं कैनाइन। कैनाइन का काम होता है भोजन को फाड़ना। भोजन को फाड़ने का काम कैनाइन करता है। इसकी संख्या देखते हैं कितने होते हैं। प्रत्येक जबड़े में इंसीजर की बगल में एक एक नुकीले दांत होते हैं, उसको कैनाइन कहा जाता है। एक जबड़े में दो कैनाइन, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 2+2=4। मोलर का काम होता है, मोलर और प्रीमोलर दोनों का काम होता है भोजन को चबाना और पीसने का, चबाने एवं पीसने का काम होता है। देखते हैं प्रीमोलर की संख्या कितना होता है। जो नुकीले दांत होता है ना उसके बगल में दो दो दांत एक जैसे होते हैं, उनको प्रीमोलर कहा जाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि नुकीले दांत के बगल में दो एक समान होते हैं इधर और दो इधर, तो 4 हुए। एक जबड़े में जब 4 हुए तो दूसरे जबड़े में 4। इस प्रकार से प्रीमोलर की संख्या 4+4=8 हो जाएगी। आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रीमोलर होता है ये बच्चों में नहीं होता है। प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं होता है। मोलर का भी काम वही होता है, चबाने एवं पीसने का काम होता है।
इसकी संख्या तीन इस साइड छह, निचली जबड़े में छह तो ऊपरी जबड़े में भी छह, इस प्रकार इसकी संख्या हो जाता है 12। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 20 दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, उसके बदले में 32 दांत अस्थाई आते हैं। तो इस तरह से 20 दूध के दांत, उसके बाद 32 अस्थाई दांत, कुल मिलाकर 52 दांत उगते हैं। अब हम लोग देखेंगे दांत के भाग। तो दांत के तीन भाग होते हैं, जो ऊपर दिखता है उसको क्राउन कहते हैं, क्राउन से नीचे जो होता है उसको नेक कहते हैं। दांत के जो भाग मसूड़े में धंसे होते हैं उसको रूट कहा जाता है। ये तो दांत के तीन भाग हो गए, क्राउन, नेक, रूट। हम लोग देखते हैं दांत में परत कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। दांत के जो ऊपरी परत होता है उसको इनामेल कहते हैं, बीच के भाग को डेंटाइन कहते हैं, जो सबसे अंदर होता है उसको पल्प कहते हैं। ये देखिए, इनामेल जो होता है शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। अगर मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, अगर कहा जाए सबसे मजबूत भाग तब जबड़ा को कहेंगे। मनुष्य के सबसे मजबूत भाग कहेंगे तो जबड़ा होगा, और सबसे कठोर अगर पूछा जाए तो इनामेल। ये जो डेंटाइन होता है हड्डी के जैसा होता है। उसके बाद तीसरा परत है दांत के, पल्प। तीसरा परत जो पल्प है, पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व होते हैं। तो हम लोग देखते हैं दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, पी फॉर प्रीमोलर, एम फॉर मोलर। देखिए दंत सूत्र कैसे लिखते हैं, एक जबड़े के आधे दांत को लेते हैं। इंसिजर जो होता है एक जबड़े में चार होते हैं, उसमें से लेंगे आधे, दूसरे जबड़े में भी चार होगा उसको लेंगे दो। कैनाइन की संख्या एक जबड़े में दो होते हैं उसको एक लेंगे, फिर निचले जबड़े में भी दो होते हैं तो एक लेंगे, आधे ही लेना है। बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है इसलिए जीरो। बच्चों में मोलर की संख्या दो होते हैं इस साइड और दो होते हैं इस साइड, इस प्रकार से एक जबड़े में चार तो लेंगे कितना, दो, आधे ही लेना है। निचले जबड़े में भी मोलर की संख्या चार होगी, इस प्रकार से दो ले लेंगे। ये तो बच्चों में दंत सूत्र हो गया। अब वयस्क में देखते हैं, वयस्क में इंसिजर की संख्या चार होती है, दो लेंगे, फिर निचले वाले में भी चार होते हैं तो दो लेंगे। कैनाइन की संख्या वयस्क में भी दो होते हैं, एक लेंगे, आधे, फिर नीचे वाले में, निचले जबड़े में कैनाइन की संख्या दो होते हैं तो आधे लेंगे, एक। वयस्क में प्री मोलर की संख्या चार होते हैं, इस प्रकार से आधे ले लेते हैं। मोलर की संख्या तीन इस साइड, तीन इस साइड, एक जबड़े में छह मोलर हुआ, आधे ले लेंगे, तीन। ऊपर वाले में तीन हुआ तो नीचे वाले में भी तीन। इस प्रकार से डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है चाइल्ड में 21-02/21-02, एडल्ट में 21-23/21-23। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि अकल का दांत क्या होता है। 17 वर्ष के बाद प्रत्येक जबड़े में दो दांत निकलते हैं अंतिम में, 17 वर्ष के बाद, उसको अकल का दांत कहा जाता है। एक जबड़े के अंतिम छोर पर एक दांत निकलते हैं, लास्ट मोलर जो होता है, एक यहाँ पर, फिर ऊपर जबड़े में भी एक एक, इस प्रकार से अकल के दांत चार होते हैं। प्रत्येक जबड़े में अंतिम सिरे पर लास्ट मोलर एक एक निकलता है, उसे अकल के दांत कहते हैं। एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि जो निकलता है ना तो बहुत दर्द करता है,